गाइस वेलकम बैक टू अ वीडियो गेम। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे से होंगे, मार्केट में सुरक्षित होंगे। बात आज एक ऐसे टोकन के बारे में करने जा रहे हैं जो आप सभी ने नाम सुना होगा। एक ऐसा टोकन जो कि काफ़ी अंडरवैल्यू है, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न मेरे हिसाब से बना के दे सकता है। सबसे पहली बात, ये एक एक्सचेंज का टोकन है और जो एक्सचेंज है वो काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते होंगे क्यूकॉइन। आज के डेट में आप देख रहे हो ज़्यादातर जो एक्सचेंजेस हैं उनके जो टोकन्स हैं, नेटिव टोकन्स हैं, उनका जो प्राइस है वो लगातार यहाँ पर बूमिंग पीरियड पर है। ये एक ऐसा टोकन है जिसका जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में स्पीड पकड़ सकता है, काफ़ी अच्छी खासी गति पकड़ सकता है। आप देख लो एग्जांपल BNB बाइनेंस कॉइन है। BNB आप देखोगे अब अच्छी रैली पर आ चुका है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सजेस्ट करा था कि आप चाहो तो FTT बाय करके रख सकते हो, क्योंकि वो FTX का है और आने वाले टाइम में FTX की जो वैल्यू है, FTT टोकन की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप चाहो तो FTT फॉर द लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। साथ ही साथ आज मैंने इस कॉइन को लिस्ट में क्यों रखा उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए ये टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग है और जैसे मैंने आपको बताया क्यू कॉइन का नेटिव टोकन है, तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न आपको दे देगा, ठीक है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, ये मुझे लगता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना आप वीडियो को, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। साथ ही मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर मेरा एक ग्रुप है, तो यहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मार्केट की सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो जाके आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा ये एक चैनल है, यहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मार्केट की सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है यहाँ पर, ठीक है। शेयर लिंक हो जाते हैं आपके साथ और यहाँ पर आपके साथ जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं वो मैं यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोग प्रॉफिट बना पाएँ। अब बात करते हैं हम क्यूकॉइन यानी कि KCS की। देखिए KCS जो था 12.499 के करीब, यानी कि $12.50 के करीब यहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। आप इसको बाय करें तो क्यूकॉइन पे ही बाय करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। क्यूकॉइन पे अभी ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर KYC करवाएं, आप बगैर KYC के भी वहाँ पर बाय परचेज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली देखते हैं अब क्या होता है। देखो टेक्निकली अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, मैं क्यूकॉइन पे ही देख रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई हमारा ये है, ठीक है, जो कि आपका 20.2 का है, ठीक है, और जिससे कि लगभग बहुत ही कम फासला बचा है ऑल टाइम में भी। अब आपको मैं बता दूं, जब भी एक बार ऑल टाइम क्रॉस होता है प्राइस, ठीक है, अगर एक बार ऑल टाइम क्रॉस होता है तो आप देखते हैं यहाँ पर मार्केट में काफ़ी हाइप बन जाती है कॉइन की। जस्ट लाइक अगर 20.2 का जो लेवल है इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कॉइन की हाइप बनने वाली है और डेफिनेटली ये फिर एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अब मैं आपको कुछ और भी दिखा दूँ, ये अभी हम वीक का चार्ट देख रहे हैं, आप देख पाओगे ये अभी वीक का चार्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर डेली पर, फिर मैं आपको यहाँ पर 4 आवर के चार्ट पर ले जाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर डेली में देखें तो डेली में एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ हमें यहाँ दिख पा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऊपर की साइड की है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। रीज़न ये है कि यहाँ पर मार्केट अभी बुलिश चल रही है और जैसे ही बिटकॉइन आपका 51 का जो लेवल है उसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली सब कॉइन्स में यहाँ पर बूम आने वाला है। अगर हम बात करें टारगेट्स की तो टारगेट हम देख लेते हैं। अगर हमारा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड तो पहला टारगेट हमारा 20.2 का होगा, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा, अगर हम इसकी जो हाइट है उसको नाप लें तो डेफिनेटली हमें सेकंड टारगेट हमें $3.5 का, यहाँ पर 3.5x यानी कि 350 का भी हमें यहाँ पर रिटर्न हमें देखने के लिए मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 28 पर हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, करंट प्राइस अभी हमारा 12.4, तो कैन यू बिलीव दिस कि हम इसमें 2x 3x भी हो सकते हैं। अब मेरे से आप पूछोगे कि भाई टाइम फ्रेम क्या होगा, यार टाइम फ्रेम बताओ आप कब तक हमारा पैसा बढ़ेगा। देखो जब सारे ऑल्टकॉइन यहाँ पर बढ़ने लग जाएंगे, जब हमारी बिटकॉइन में रैली आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर बिटकॉइन क्रॉस कर देता है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा क्योंकि इसकी जो हाइप है वो क्रिएट होने वाली है। पहला टारगेट का जो टारगेट है हमारा लगभग 65 के लेवल पर है, दूसरा हमारा 130-132 पर है, यानी कि यहाँ पर हमारा ईजली जो मनी है वो 2x तो हो ही सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहें कि भाई हमारा अल्टीमेट टारगेट, हमें बताओ कि अल्टीमेट टारगेट कहाँ तक जा सकता है। मैं इसके लिए यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर फिबोनाकी से हमें पता लगता है कि हम आगे के लेवल्स कैसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें फिबोनाकी के हिसाब से तो आप देख पाओगे हमारा जो एक टारगेट आ रहा है, ठीक है, एक टारगेट हमारा 34 पर भी आ रहा है और एक टारगेट हमारा लगभग 56 पर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना बैठता है अभी,
करंट प्राइस से भी हम देखें 56, तो यहाँ पर लगभग 5x का भी ये रिटर्न दे सकता है कॉइन, ठीक है, क्योंकि अच्छा कॉइन है इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। और मेरा चैनल जाके आप देख सकते हो, उस पर आपको मेनली सजेशन वही मिलेंगी जो कि काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकती हैं। बात और हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर आप देखोगे एक हमें फ्लैग भी दिख रहा है, एक बुलिश पेनेंट भी दिख रहा है। अगर आप देखें तो दिस इज़ अ बुलिश पेनेंट, और इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है ये, ठीक है, बुलिश पैटर्न दिखने में कैसा, बुलिश पैटर्न पेनेंट कैसा दिखता है दिखने में, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, बुलिश पेनेंट आप देख पाओगे, बुलिश पेनेंट ये पैटर्न है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है ये हमें कहीं ना कहीं अपना जो कॉइन है इसमें देखने के लिए मिल पा रहा है। आप देखोगे बुलिश पेनेंट है, इसका ब्रेकआउट होने ही वाला है, ठीक है, तो आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हुआ, और ये टोकन फॉर द लॉन्ग टर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये रिटर्न पॉसिबिलिटी दे सकता है ऊपर की काफ़ी अच्छी, लेकिन मैं आपको पहली डिस्क्लेमर दे दूँ, डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बेसिस पे करें। तो गाइस रखता हूँ मैं, बस इतना ही है आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।